नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार ने जो बेरोजगार हैं उनको दोस्तों खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकली थी राज्य बीमा एवं दोस्तों प्रावधायी निधि आयोग में। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है निधि विभाग में ये जो है निकली थी 2018 में। इसमें दोस्तों राजस्थान सरकार ने अब क्या किया, उसी वैकेंसी में 29 जो वैकेंसी है वो और ऐड कर दी है। ये लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये फ्रेंड एससी और एसटी वाले स्टूडेंट की ये वैकेंसी है। यानी कि दोस्तों एससी एसटी वाले जो 29 जो स्टूडेंट हैं वो और जो है चयनित हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जो है ये राज्य बीमा एवं जो निधि प्रावधायी निधि विभाग वाला ये एग्जाम दिए थे 2018 में और आपकी कुछ वेटिंग वगैरह कुछ है और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 29 स्टूडेंट जो और हैं वो इसमें जो है चयनित हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अतिरिक्त जो है 29 वैकेंसी जो है अभी उसमें ऐड की गई है 2018 की वैकेंसी में, और कनिष्ठ सहायक की दोस्तों ये वैकेंसी थी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।